और उन्हें खुद अपनी इच्छा से, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं खुद संगठन में जा कर के कहा कि मैं अपनी इच्छा से अपने पद को छोड़ रहा हूँ और हमारे मनीष जी हैं जो बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, इनको जिम्मेवारी दी जाए, बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि केंद्र का बजट पेश हुआ, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीता जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2024 का बजट जो पेश किया वो बहुत सौभाग्यशाली है। पूरे देश में पहली वो महिला हैं जिन्होंने पिछले रिकॉर्ड तोड़े हैं, या तो 6 बार मोरारजी देसाई जी ने लगातार बजट पेश किए थे, और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने 7 बार लगातार बजट पेश किए हैं, ये हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है। 2024 का केंद्रीय बजट पेश किया गया, इस बजट में जो हमारी 2024 के लिए जो उधारियों को छोड़कर कुल प्राप्तियां तथा कुल व्यय क्रमशः 32.7 लाख करोड़ और 48.21 लाख करोड़ अनुमानित है। इसके अलावा निवल अन्न प्राप्तियाँ 25.83 लाख करोड़ अनुमानित हैं। राजकीय जो घाटा जो जीडीपी का है वो 4.9% रहने का अनुमान है। इसके अलावा 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और निवल बाजार उधारियां क्रमशः 14.01 लाख करोड़ और 11.63 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। दोनों ही वर्ष 2023 की तुलना में कम है। इसलिए साथियों, आज जो बजट पेश किया, इस बजट में हमारा किसान वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, आम व्यक्ति है, सभी का विशेष इसमें ध्यान रखा गया है। और इस बजट में जिस प्रकार से आज आईटी का युग है, मोबाइल आज से हम 30 साल पहले 25 साल पहले जब मैं 2003 में विदेश में गया तो मैं बड़ा हैरान था, हर व्यक्ति के हाथ में, फ्रांस में गया तो हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल था, हम सोच भी नहीं सकते थे हिंदुस्तान में भी ऐसा होगा। तो पहले हिंदुस्तान में मोबाइल इम्पोर्ट होता था, लेकिन आज हमारी ये स्थिति है, पिछले वर्षों के दौरान मोबाइल घरेलू उत्पादन की 3 गुना वृद्धि होने से मोबाइल फ़ोन निर्यात लगभग 100 गुना वृद्धि होने से भारत का मोबाइल फ़ोन उपयोग परिपक्व हो गया है। और इसी प्रकार से आज फोन मोबाइल PCBA मोबाइल चार्जर और BCD को घटा करके 15% किया गया, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले स्वच्छता का अभियान लिया था और प्लास्टिक पर जोर दिया था कि प्लास्टिक, इस पर रोक लगाई जाए, उसके लिए भी इस बजट में PVC जो फ्लैक्स और बैनर के जो YDOD ग्रेडेबल नहीं होते और पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं, इनके आयात को कम करने के लिए BCD को 10% से बढ़ा करके 25% कर दिया है। और इसी प्रकार से जो कैंसर रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए 3 दवाइयों की सीमा शुल्क पर छूट दी गई है। इसके साथ साथियों, हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए भी खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों के लिए 109 उच्च पैदावार होने वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। प्राकृतिक कृषि, तो अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी, जिसमें प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था शामिल होगी। इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं के इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संस्थान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। एक जो सब्जी है, सब्जियों के लिए भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है कि किसान अपनी सब्जी को प्रॉपर ले जा कर के, जिस प्रकार से हमारे जो स्टोर हैं, भंडारण है,
उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रबंध किया जाए। जैसे किसान मार्केट में जाता है तो बाय द वे उसकी किसी कारण से सब्जी नहीं बिक पाती तो भंडारण में स्टोर कर दे, तो इसके लिए सरकार ने बड़ा अहम मुद्दा उठा फैसला लिया है। सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला प्रमुख उपधाओं केंद्रों के नज़दीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। हम उपज के संरक्षण भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठनों को सहकारी समितियों का स्टार्टअप बढ़ावा देंगे। इसी प्रकार से हमारे कौशल प्रशिक्षण जो ऋण है सरकार ने निधि गारंटी के साथ 7.5 लाख की ऋण सुविधा उपलब्ध करने वालों के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना संशोधित किया जाएगा। इस उपाय में प्रतिवर्ष 25,000 छात्राओं को सहायता मिलने की आशा है। कौशल प्रशिक्षण इसके अलावा शिक्षा ऋण हमारे 10 लाख तक के ऋण हेतु जो हमारे शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता सरकार ने प्रबंध किया है, जिसमें लगभग 1 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलने वाला है और 3% वार्षिक ब्याज के लिए ई वाउचर दिए जाएंगे। हमारे पीएम आवास योजना अब तक 4 करोड़ हमने पूरे देश में मकान बनाकर दिए हैं और इस बजट में हमने प्रोविज़न रखा है हम 3 करोड़ मकान और पूरे देश के अंदर सरकार ने बजट का प्रोविज़न रखा है, जिससे कि हमारे पूरे प्रदेश में जो हमारे गरीब आदमी हैं उन सबको उसका लाभ मिल सके। और महिलाओं को संचालित विकास के लिए इसमें 3 लाख करोड़ से अधिक हमारे महिलाओं और बालिकाओं को लाभ देने वाली योजनाएं हमने केंद्र सरकार ने तैयार की हैं, जिसमें हमने 3 लाख करोड़ से भी अधिक हमने पैसे का प्रावधान रखा है। इसी प्रकार से जो ग्रामीण अवसर रचना सहित ग्रामीण विकास के लिए हमने 2.66 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। हमारे मुद्रा ऋण की सीमा को हमने उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख हमने कर दिया है, जिसमें तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया है। पहले इन ऋणों को सफलतापूर्वक जिसने चुकाया हुआ है वो इसका लाभ उठा सकेंगे। हमने जो शहरी हैं शहरी विकास के लिए भी जिस प्रकार से हमने माननीय नायब सैनी जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गरीब आदमी हैं उनको 100-100 गज के प्लाट दिए हैं और उनको कब्जा दिया है। इसके अलावा शहरों के अंदर जो नगर निगम है नगर पालिकाएँ हैं जो प्रॉपर्टी जो नगर निगम नगर पालिकाएँ थी जिस पर चाहे वो कब्जेधारी थे या कोर्टों में केस थे या कोई रसीद से और कटवा कर उनके चल रहे थे, जो 20 वर्ष से ज़्यादा जिनको हो चुका था दुकानदार भाइयों को हमने उनको कलेक्टरेट पर के हमने उनको रजिस्ट्री देकर के उनको मालकाना हक दे दिया है। पीछे हमने पूरे प्रदेश के अंदर कार्यक्रम किया था और जिस प्रकार से हमने ग्रामीण अंचल में हम 100-100 गज के प्लाट देते हैं हमने शहरों के अंदर भी हमने प्रोविज़न किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना तहत 2.0 अंतर्गत 10 लाख करोड़ की निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब माध्यम वर्ग के परिवारों का आवास जरूरतों का समाधान किया जाएगा। इसके लिए 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ केंद्रीय सहायता शामिल होगी। इसी प्रकार से सुविधा के लिए सब्सिडी का भी प्रावधान हमने किया, जिससे शहरों के अंदर जो गरीब आदमी रहते हैं उसको भी उसका लाभ मिल सके। दूसरा प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना, इसके लिए सरकार ने पूरे देश के अंदर हमने कहा कि 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त होने के लिए हर व्यक्ति इसमें ले सक्षम हो। हमने पूरे देश के अंदर घरों के अंदर 2 किलोवाट का जैसे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने प्रावधान किया है, 2 किलोवाट तक का जो लोड का है उसके लिए 1,10,000 उसका खर्च आएगा, जिसमें 60,000 केंद्र सरकार देगी और 50,000 हरियाणा सरकार देगी। इसलिए इसके लिए अब तक पूरे देश स्तर पर 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं और 14 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। तो केंद्र सरकार चाहते हैं कि पूरे देश में जो बिजली का हमारा है सोलर के माध्यम से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी गरीब आदमियों को उसका लाभ मिल सके। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत PMGSY इसके लिए हमारे 25,000 ग्रामीण बस वाटों के लिए हमारी योजना शुरू की है, जिससे कि प्रदेश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किस आम आदमी को
उसका लाभ मिल सके। तो इसके साथ हरियाणा सरकार जो आज केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उन सब को भी बराबर लेकर के आज काम कर रही है, जिससे हमारी सहकारी समितियां हैं उनको भी बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है कि जो शहरी सहकारी समितियां हैं उनको बढ़ावा दिया जाए जिससे आम आदमी को लाभ मिल सके। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने भी या तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने थे या आज नरेंद्र मोदी 3री बार प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए सारे रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं ने तोड़े हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का विजन है कि देश जो हमारे आर्थिक दृष्टि से आज हम 5वें स्थान पर हैं, 2024-25 में हम 3रे स्थान पर आए, जिससे कि देश के हर नागरिक को उसका लाभ मिल सके। और इसलिए आज हमारी केंद्र की सरकार प्रयासरत है कि हम हर पहलू पर हम आगे देश को बढ़ाने का काम करें।